सभी भाई और बहनों, यह सम्मेलन जब हमने विचार किया, मोहन यादव जी हमारे पीआरओ है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो कितने इसमें लोग आ सकते हैं, कितनी पत्रिकाएं पूरे भारत में निकलती है, कहीं पर अंदाजा नहीं था एक्जैक्टली। तो मैंने कहा कि संपर्क करो। पिछले 3-4 महीनों से यह एक्सरसाइज चल रहा था, हर एक के साथ में बातचीत चल रही थी, एक एक पत्रिका, एक के द्वारा दूसरी, दूसरे के द्वारा तीसरी, ऐसी पत्रिका की जानकारी मिल रही थी। और मिलकर के मित्रों, मुझे लगता है आज के दिन में 14 राज्यों से प्रतिनिधि आए हैं और 69 पत्रिकाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। पत्रिकाओं के साथ साथ कुछ प्रतिनिधि जो टीवी पर सीरियल निकालते हैं, साईं बाबा के समाधि का शताब्दी वर्ष है, तो इस वर्ष में कुछ सीरियल्स बनाने वाले भी लोग हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। कुछ टीवी चैनल्स भी साईं बाबा के नाम से या साईं बाबा के कार्य के ऊपर चलती है, ऐसे चैनल्स के लोग भी यहाँ पर हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले लोग हैं, ऐसे सारे लोग हम यहाँ पर इकट्ठे आए हैं। अपने आप सभी लोग जो लोग हैं, उनका क्या वैशिष्ट है, क्या विशेषता है? आप सारे एक तो बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने दिल और दिमाग का उपयोग करके साईं बाबा का जो संदेश है वो जन जन तक कैसे पहुंचाए, इसका आप काम करते हैं। और आपको ही क्यों चुना है बाबा ने, तो मुझे ऐसे लगता है बाबा की विशेष दृष्टि और विशेष आशीर्वाद आप सबके ऊपर विद्यमान है, विराजमान है। बाबा का विशेष आशीर्वाद आप सबको मिला है, तभी आपकी लेखनी चलती है, तभी आपकी वाणी चलती है, तभी आपकी नजर चलती है। और इन सारों माध्यमों के द्वारा ये बाबा के जो कार्य है उनका प्रचार और प्रसार आपके माध्यम से होता है। बाबा ने एक मंत्र हम सबको दिया है, आप सभी जानते हैं, वो मंत्र है श्रद्धा और सबूरी का। विश्वास हमारे मन में होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। यह श्रद्धा और विश्वास ये दोनों आदमी के फाउंडेशन है। बिना फाउंडेशन के कोई इमारत खड़ी नहीं होती है, और ये फाउंडेशन अगर नहीं है तो इमारत हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये दोनों फाउंडेशन पर हमारी इमारत खड़ी है या हम खड़े हैं, तो श्रद्धा होनी चाहिए। हर काम के लिए थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, थोड़ा पेशेंस हम में होना चाहिए, थोड़ी सबूरी होनी चाहिए। इसलिए यह एक संदेश मंत्र के रूप में बाबा ने हम सबको दिया है, श्रद्धा और सबूरी का। और इसी के साथ साथ एक तंत्र भी दिया है, और वो तंत्र है जन जन की सेवा का। बाबा ने स्वयं अपने हाथों दिन दलित दुखियारों की सेवा की है, जो वंचित है, उपेक्षित है, पीड़ित है, ऐसे लोगों की सेवा की है। और यही सेवा ईश्वर की सेवा है, ऐसा संदेश हमको दिया है। भिक्षा स्वयं मांग करके, आटा पीस करके, खाना बना करके, आवश्यक मिला जिनकी जरूरतमंदों को खिलाया है। रुग्णों के अपने स्वयं के हाथों से रुग्ण सेवा बाबा ने की है, पेड़ पौधे लगा है, वृक्ष सेवा की है, गाय बछड़ों की सेवा की है, बच्चों के संस्कार के द्वारा शिक्षा की सेवा की है। ऐसे कितने सारे सेवा के प्रसंग हम साई सच्चरित्र में पढ़ते हैं। तो यह सेवा जो है यह एक तंत्र है, श्रद्धा सबूरी यह मंत्र है, यह मन की बात है, लेकिन शरीर के लिए, हाथों के लिए क्या काम दिया है? यह तंत्र दिया है सेवा का, वह सेवा करना यही बाबा का काम है। वह सेवा रक्तदान के माध्यम से हो, जैसे हमने यहाँ पर अभी शुरू किया है, तिरुपति में जाते हैं तो केश दान और शिरडी में आते हैं तो रक्तदान। यह रक्तदान का विशेष महत्व शिरडी के द्वारा प्रस्तावित करने का संकल्प संस्थान ने और हम सब ने आपके माध्यम से लिया है। यह संदेश सभी भक्तों तक, सभी जन जन तक पहुंचे, ताकि शिरडी में आना है
तो जैसे तिरुपति में जाना है तो उसकी मानसिक तैयारी करके वो जाता है कि कल तो मैं मुंडन करके आऊंगा, मैं केश चढ़ा करके आऊंगा, मेरा यह अर्पण का भाव है, ऐसा वो करके वहां पर जाता है। तो वैसे ही भक्त जब शिरडी की ओर निकलता है, बाबा के दर्शन की आस लगाए रहता है, तो उसके मन में यह भाव रहना चाहिए कि शिरडी में जाके मुझे करना क्या है, तो मुझे रक्तदान करना है। रक्तदान की वहां पर व्यवस्था है, पहले सप्ताह में एक आध बार होती थी, आज रक्तदान की प्रतिदिन व्यवस्था मंदिर के कैंपस में विद्यमान है। तो वह व्यवस्था आपके माध्यम से सभी जनजन तक पहुंचनी चाहिए। यह व्यवस्था अभी बहुत सुचारू रूप से चल रही है ऐसा मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन उसमें सुधार किए जा रहे हैं, प्रशासन की और व्यवस्थापन के ओर से यह सारे सुधार होंगे। आज 40-50 लोगों का रक्तदान प्रतिदिन होता है, 50,000 से ज्यादा भक्त शिरडी में आते हैं। हम यदि ऐसा समझे कि 1% भक्त भी यदि रक्तदान करे तो कम से कम 500-600 लोगों का रक्तदान यहाँ पर होना चाहिए। और इसलिए 50 से लेकर 500 यह गैप है, वह गैप फिलअप करने के लिए हम सबको काम करना होगा। आज यह जो जानकारी है सारे भक्तों के पास में है ऐसा नहीं है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि रक्तदान की व्यवस्था रोज है, 10 बजे से दोपहर में 2 बजे तक रोज है। जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे इसका समय बढ़ाया जाएगा, जगह बढ़ाई जाएगी, और 25 रक्त पीढ़ियों को, ब्लड बैंकों को इसके साथ में जोड़ा गया है, क्योंकि एक जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या इसको जमा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यह 25 रक्त पीढ़ियों को इसके साथ में जोड़ा है। महीने का एक एक दिन एक एक रक्त पीढ़ी को देंगे, वो आएंगे रक्त लेकर के चले जाएंगे, तो सारे महाराष्ट्र में, सारे देश भर में इसका फैलाव होगा। इसी के साथ साथ जैसे शिरडी में रक्तदान होता है, वैसे देश और दुनिया में जितने साई मंदिर है, उन साई सभी साई मंदिरों में गुरुवार का दिन या जैसे बाबा का दिन है, श्रद्धा और सबूरी का दिन है, वैसे ही यह अन्नदान का दिन है और रक्तदान का दिन है। यह संदेश सारे पत्रिकाओं के माध्यम से दुनिया भर में और देश भर में फैलना चाहिए कि गुरुवार के दिन, ठीक है मैं शिरडी आज नहीं जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, तो गुरुवार के दिन मेरे स्थानिक मंदिर में अन्नदान और रक्तदान का कार्यक्रम किया जाना चाहिए। यह संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े। सेवा के माध्यम के जितने भी कार्य हैं, 5 अनिवार्य कार्य हमने दिए हैं, जैसे रक्तदान है, रुग्ण सेवा का काम है, अवयव दान यह एक महत्वपूर्ण दान है, ऑर्गन डोनेशन, आज मनुष्य के ऑर्गन के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जैसे ब्लड के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है लेकिन ब्लड नहीं बना पाया, ब्लड आदमी का ही आदमी को उपयुक्त होता है, वैसे ही ऑर्गन की परिस्थिति है। ऑर्गन डोनेशन का एक संदेश जाना चाहिए, शिक्षा के काम का संदेश जाना चाहिए, ऐसे कुछ मैंडेटरी संदेश जाने चाहिए और अपनी स्थानिक आवश्यकता के अनुसार अलग अलग संदेश जाने जरूरी है। व्यवस्थापन समिति ने यह एक और भी निर्णय लिया है कि आप जितने भी लोग अपनी अपनी जगह पर पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से जो जो भी प्रचार और प्रसार का काम करते हैं, उन सारे माध्यमों को मंदिर के साथ जोड़ा जाएगा और यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मंदिर, यू आर नॉट स्टैंडिंग सेपरेटली, यू बी ट्रीटेड एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मंदिर। और इसलिए हमने एसटी स्टैंड जो है उसके ऊपर मंदिर नहीं इमारत बनाई है, एक मंजिल उसका इसलिए रखा है कि वहां पर एक कला दालन हो, आर्ट गैलरी हो, वाचनालय हो, लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय हो, ऐसे ही पत्रिकालय भी उसमें रहेगा। आप सबकी मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, द्विमासिक जैसे भी पत्रिका निकलती है उन सारे पत्रिकाओं के लिए एक दालन वहां पर रहेगा और हर एक पत्रिका को वहां पर स्थान दिया जाएगा। वहां पर आपकी पत्रिका बाबा तक पहुंचने का ये माध्यम उसके रूप में रहेगा। यहाँ होने वाले, अभी आने वाला वर्ष जो है वो बाबा के समाधि शताब्दी का वर्ष है।
इस वर्ष भर में जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं, 12 महीने 12 कार्यक्रम अलग अलग ऐसी रचना यहाँ पर की गई है। 4 उसके आयाम है। एक आयाम ऐसा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर शिरडी में बड़े धूमधाम से साई संध्या है, भजन संध्या है, इस तरह से मनाया जाए। दूसरा है एक सामाजिक स्वरूप उसका है, सामाजिक स्वरूप का काम प्रवचन का होगा, कीर्तन का होगा, समाज प्रबोधन का होगा, नैतिक मूल्य शिक्षण का होगा, सप्ताह का होगा, इस तरह से 12 महीने में 12 बड़े कार्यक्रम। फिर उसमें मुरारी बापू आएंगे, श्री श्री रविशंकर आएंगे, रामदेव बाबा आएंगे, ऐसे शंकर अभ्यंकर जी आएंगे, ऐसे कई सारे लोग, रतम बराजी आएगी, सारे देश भर से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे और 12 महीने में 12 कार्यक्रम इनके हो गए। उसी के साथ साथ यह बाबा की जो पादुका है, बाबा के पादुका का भ्रमण पूरे देश और दुनिया में होने वाला है। महाराष्ट्र के हर जिले में पादुका का भ्रमण होगा, पूजन होगा, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। देश के हर प्रांत के कैपिटल में पादुका का भ्रमण होगा और दुनिया के 25 देशों में बाबा के पादुकाओं का भ्रमण होगा। तो इस तरह से ये पूरे वर्ष भर में कार्यक्रम होने वाले हैं। जैसे कार्यक्रमों की रचना शिरडी में की गई है, वैसे ही कार्यक्रमों की रचना अन्य अन्य जगहों पर, जहां पर भी भारत भर में और देश भर में मंदिर है बाबा के, वहां पर करने का एक प्रयोजन और निवेदन मंदिर की ओर से दिया गया है। एक मैं कहूँगा, आप सबको बाबा ने दिव्य दृष्टि दी है, उस दिव्य दृष्टि का उपयोग करके बाबा के संदेश को देश और दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने का काम आप करें। फिर से मैं आपका सभी का अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ।